वेलकम टू माय फूड डायरी 16। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे हिसाब से भगवान में सबसे ज़्यादा फूडी गणेश भगवान है। ये कहीं लिखा हुआ नहीं है किसी गीता, ऋग्वेद या कोई भी वेद में नहीं लिखा हुआ है, मेरा थॉट है। तो कोट मत करना कि नहीं कहीं लिखा हुआ है, तो ऐसा है नहीं। सो इट्स जस्ट माई थॉट। तो मैंने सोचा कि अगर जब गणेश भगवान का ही फेस्टिवल है तो कुछ उनका फेवरेट बनाया जाए। तो बनाते हैं मोदक। और जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि अच्छा खाने के लिए हमेशा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं आपको मोदक दो तरीके से दिखाऊंगा। एक जो थोड़ा सा लेंदी है और दूसरा जो आसान है बट टेस्ट में कमी नहीं है। तो अब चलो जल्दी फटाफट दोनों बना लेते हैं। और मैं तो टेस्ट करने के लिए वेट नहीं कर पा रहा हूँ, एज़ यू नो कि मुझे वही सबसे ज़्यादा पसंद है। अब देख लेते हैं मोदक के लिए इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए। राइस फ्लोर या चावल का आटा आधा कप, पानी आधा कप, गुड़ 4 टेबलस्पून, डेसिकेटेड कोकोनट या फिर कसा हुआ कोकोनट 2 टेबलस्पून, घी 1 टेबलस्पून, ड्राई फ्रूट का मिक्सचर 4 टेबलस्पून जिसमें काजू बादाम और किशमिश है, 1/4 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून चीनी। तो अभी मोदक की फिलिंग बनाने के लिए एक पैन को गरम कर लेते हैं और उसमें डाल देते हैं 1/2 टीस्पून के करीब घी। अब जब हमारा घी मेल्ट हो गया है तो इसमें डाल देते हैं हम थोड़ा सा गुड़। यहाँ मैंने 4 टेबलस्पून गुड़ लिया है और गुड़ डालने के बाद इसको कर लेते हैं मेल्ट। अब जैसे ही गुड़ मेल्ट होने लगे इसमें डाल देते हैं हम अपना नारियल और इसको अच्छे से इसके साथ मिला लेते हैं ताकि नारियल में गुड़ अच्छे से मिल जाए। और जब नारियल रोस्ट होता है उसका फ्लेवर ही अलग है। मेरा तो मन कर रहा है अभी से ही खा लूँ, लेकिन क्या करें, प्रसाद बना रहे तो ऐसा कर नहीं सकते। अगर आप मेरे जैसे डेसिकेटेड कोकोनट यूज़ कर रहे हो तो हल्का सा पानी मिला देना। अगर फ्रेश कोकोनट यूज़ कर रहे हो तो पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फ्रेश कोकोनट में पानी होता है। और जैसे ही आप पानी मिलाओगे तो इसकी कंसिस्टेंसी जैसे गुजिया वगैरह की अंदर की फिलिंग होती है वैसी हो जाती है। और जैसे वो हो जाए तो उसमें डाल देते हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट अच्छे से ही डालो यार, मतलब जैसे मन करे। मुझे ड्राई फ्रूट अच्छे लगते हैं तो मैंने थोड़ा अच्छा डाल दिया। और अब गणेश भगवान के लिए मैं अपने हिसाब से बना रहा हूँ तो मैं वही चीज़ खिलाऊंगा ना जो मुझे पसंद है। और अब आप देख रहे हो कि फिलिंग हो गया है। इसकी कंसिस्टेंसी आप ध्यान रख लो, ऐसे मतलब मॉइस्चर कम हो गया है फिर भी सॉफ्ट है, तो बस इसी टाइप की कंसिस्टेंसी चाहिए। तो आप देख रहे हो कि अंदर का फिलिंग हो गया है, बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं है लेकिन स्टिल अपना शेप पकड़ रहा है, तो बस इसी टाइप की कंसिस्टेंसी चाहिए। अब जब तक हमारा फिलिंग ठंडा हो रहा है तब तक हम मोदक की केसिंग बना लेते हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए, एक पैन में 1/2 कप पानी ले लें, और इस पानी में डाल देंगे 1/2 टीस्पून के करीब घी। जैसे ही पानी में घी पिघल जाए डाल देते हैं 1/4 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून चीनी। जैसे ही पानी में चीनी मिक्स हो जाए और हल्का सा बॉयल आ जाए तो उसमें हम डाल देंगे 1/2 कप राइस फ्लावर और उसके बाद कर देंगे गैस को बंद और इसको मिला देंगे। और बस ये रफली पानी के साथ मिक्स करने के बाद इसको 2 से 3 मिनट रेस्ट देना है ढक्कन लगा के, और मिलते हैं 2 से 3 मिनट के बाद। अब 3 मिनट बाद देख लेते हैं कि इसको गूंदना कैसे है। तो इसको निकाल लेते हैं बोर्ड पे, आपको अच्छे से दिखे इसलिए बोर्ड पे निकाल रहा हूँ, आप बर्तन में ही गूंद सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि बोर्ड पे निकालना है। ये जो आटा है इसको जब ये गरम हो तभी गूंदना है,
ज़्यादा गर्म नहीं होता है, 2-3 मिनट के बाद जब थोड़ा रेस्ट हो जाता है तो काइंड ऑफ सेक लगता है हाथ में, मज़ा आता है इसको करने में, तो डरने की बात नहीं है। तो इसको गूंथते टाइम इसमें ना पानी के छींटे थोड़े थोड़े डालते रहो, ताकि अगर पानी की कमी हो तो वो ठीक हो जाए। और इसमें हम थोड़ा सा घी भी डालेंगे, लेकिन पहले कुछ देर गूंद लेते हैं इसको। अब इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा घी और फिर से इसको गूंद लेते हैं। और ये बन गया हमारा डो, कंसिस्टेंसी देख रहे हो कितना स्मूथ हो गया। तो और जो ये चावल का आटा गूंद गया है तो इसको बाहर ऐसे नहीं रखना है, ड्राई हो जाएगा। अगर आप इसको रखना चाहते हो तो एक डैम्प क्लॉथ के नीचे कवर करके रखना, या तो फिर आप इमिडिएटली यूज़ कर मोदक बनाने के लिए। जो चावल का आटा गूंदा है उसको ले लो, उसको हाथ में फ्लैट कर लो, और थोड़ा सा ऐसे जैसे आलू पराठा बनाने के लिए जो शेप बनाते हो वैसा बना लो, ठीक है। अब ये परफेक्ट मोदक शेप आएगा ये पता नहीं, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ शेप की चिंता मत करो, टेस्ट की चिंता करो। टेस्ट अच्छा है तो कोई भी शेप है तो चल जाएगा। ये हो गया, इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी फिलिंग, लगभग 1 चम्मच। और ये फिलिंग क्योंकि शेप ले लेती है, इसको ही अंदर थोड़ा ट्रायंगुलेट शेप कर दो, और इसको ऐसे करके धीरे धीरे क्लोज करते रहो। फाइनली ऊपर एक कोन बना लो। तो ये बन गया मोदक का शेप। और जो इसमें ट्रेडमार्क रिजेस होते हैं या मार्क होते हैं वो भी मैं आपको करके दिखाई देता हूँ। मार्क बनाने के लिए बस ऐसे टूथपिक लेके दो जगह प्रेस करते रहो और ये आपके मार्क्स बन जाएंगे। बस आप ऐसे चारों तरफ 360 डिग्री हल्का हल्का प्रेस करते रहो। या फिर अगर आपको ये सब नहीं करना है और आप फिर भी आसान तरीका चाहते हैं तो इसका मोल्ड भी आता है। अब मेरे पास है नहीं तो मैंने सोचा कि चलो ऐसे ही कर लेते हैं। और जो नॉर्मली होते हैं मम्मी लोग वो तो हाथ से ही कर देती है, अब अपने पास उतना स्किल है नहीं तो ठीक है, जो आता है अपने से अपने हिसाब से बेस्ट कर लो। और ये बन गया आपका मोदक। अब मोदक को स्टीम कैसे करना है? अगर आपके स्टीमर है फिर तो आप स्टीमर में रख के 20 मिनट स्टीम कर लो। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है जैसे मेरे पास नहीं है तो उसका क्या जुगाड़ है? अपना देश पूरा जुगाड़ पे चलता है, यहाँ पे भी तो जुगाड़ कर ही सकते हैं। उसके लिए चाहिए आपको एल्युमिनियम फॉयल, जिसको क्रम्बल कर लो और इसको रख लो यहाँ पे 3। अब क्या करना है तो ले लेते हैं ऐसा एक प्लेट, उस पर डाल देते हैं एक कपड़ा या किचन टॉवल। इससे क्या होता है कि जो पानी स्टीम हो के जो नीचे गिरता है वो कपड़ा सोख कर लेता है और मोदक से गीला नहीं होता है। और उसके ऊपर रख देते हैं हम अपने मोदक, और अब ये जो प्लेट है इसको एल्युमिनियम फॉयल के ऊपर रख देते हैं और फिर डाल देते हैं इसमें पानी साइड से। 15-20 मिनट स्टीम करना है तो उसके हिसाब से अपना पानी डालिएगा। और फिर लगा देते हैं इस पर ढक्कन 15 से 20 मिनट के लिए। जब स्टार्टिंग में स्टार्ट करो तो फ्लेम हाई रखना ताकि स्टीम बन जाए, और जैसे ही स्टीम बन जाए तो फ्लेम को लो करके मीडियम कर देना। अब 20 मिनट बाद देख लेते हैं हमारे मोदक के क्या हाल है। अभी आप देख सकते हैं कि पानी सूख गया है, और जब मोदक हो गया है तो ये बर्तन को निकाल लेते हैं। और जो इजी मोदक है उसका बेस है कड़ा प्रसाद, और कड़ा प्रसाद मतलब मेरा बहुत ही फेवरेट है।
इतना फेवरेट है कि मैं थोड़ा चीटिंग भी कर लेता था। मैं ऐसे लोगों को गुरुद्वारा लेके जाता था जो कड़ा प्रसाद नहीं खाते थे और उनका प्रसाद मैं खा लेता था। और देख लेते हैं कि इसको बनाना क्या, और इसको बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ चाहिए, एक कटोरी। बस यही याद रखो, एक कटोरी चाहिए, चार इंग्रेडिएंट चाहिए। बस इंग्रेडिएंट क्या है, आटा, चीनी, घी और पानी, सब इसी कटोरी में इक्वल अमाउंट में। और बनाना कैसे है वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। कड़ा प्रसाद के लिए एक पैन को गर्म कर लेते हैं, उसमें डाल देते हैं एक कटोरी घी, जो ये वही कटोरी है जो मैंने आपको दिखाई थी जिसमें सब कुछ मेजर करना है। और जब घी पिघल जाए तो इसमें डाल देते हैं एक इक्वल अमाउंट ऑफ आटा, और आटा डालने का इसको थोड़ा चला लेते हैं। आटा को थोड़ा रोस्ट करना है ताकि कलर थोड़ा डार्क हो जाए। अब जब आटे का कलर हल्का सा डार्क हो जाए तो इसमें डाल देंगे पानी, और पानी डालने के बाद चलाते रहना है क्योंकि यही जगह है जहां लम्स फॉर्मेशन के चांसेस होते हैं। और बस ये आवाज़ ऐसे करता है, बट डरने की कोई बात नहीं, बस चलाते रहो तो लम्स फॉर्म नहीं होंगे। और अब आप जब कंफर्म हो गया कि लम्स नहीं बने तो इसमें उसी कटोरी में एक कटोरी चीनी डाल देते हैं, और चीनी इसी हीट से मेल्ट हो जाएगी तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, चाशनी वाशनी अलग से नहीं बनाना है, सब इसी में। वन पॉट डिश है, और गुरुद्वारे में जाके खाओ, मज़ा ही अलग है इसका। घर में हो सके वैसा टेस्ट ना मिले, आई डाउट कि घर में गुरुद्वारे वाला टेस्ट मिलेगा, बट देन ठीक है। और ये मल्टीपर्पज़ है, देखो गुरुद्वारे वाली चीज़ मोदक का शेप देके गणपति बप्पा को भी चढ़ जाएगी। मेन बात है प्रसाद वगैरह जब बनाते हो तो श्रद्धा होनी चाहिए, बाकी तो टेस्ट तो अच्छा ही आता है। और ये बन गया हमारा कड़ा प्रसाद, या बोल लो मोदक का बेस। इसको कर लेते हैं थोड़ा ठंडा और फिर इसको शेप दे देंगे। इसको गरम गरम में शेप मत दीजिएगा, जल जाएगा हाथ। तो अब जो कड़ा प्रसाद है इसको अच्छे से ठंडा कर लेना है ताकि घी थोड़ा ना हार्ड हो जाए, फर्म हो जाए, तो शेप बनाने में मोदक का आसानी रहता है। तो वो हो गया, तो उसका थोड़ा सा कड़ा प्रसाद हाथ में ले लो, उसको एक बॉल बना लो, और उसके बाद ऐसे जेंटली हाथों से मोदक का शेप दे दो, और ये बन गया आपका इजी मोदक तैयार। ये हो गए हमारे मोदक तैयार, ये रहे ट्रेडिशनल वाले और ये रहे इजी वाले। अब आपके लिए जो आसान रहे आप उसको बना लेना, ट्राई ज़रूर करना, और कमेंट्स में ज़रूर बताना कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।